नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में भी सियासी माहौल गर्माया हुआ है। इसी कड़ी में शनिवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा ऐलान किया। शिवपाल यादव ने आज समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एनडीए के प्रत्याशी को ही वोट देने का ऐलान कर दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुझे लगातार इग्नोर कर रही है, मुझे किसी बैठक में बुलाया नहीं जाता है, लेकिन शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मुझे बुलाया आया तो मैं डिनर करने गया था। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को ही अपना वोट दूंगा। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से गठबंधन को लेकर शिवपाल ने कहा कि अखिलेश यादव में राजनीतिक परिपक्वता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर भोज रखा था। इस रात्रि भोज में बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी नीत गठबंधन से शामिल सुहेल देव, भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पाल सिंह यादव भी शामिल हुए थे। इससे पहले राष्ट्रपति पद के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी लखनऊ पहुंचे थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने उनका स्वागत किया था। इससे पहले यशवंत सिन्हा के समर्थन में अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें से समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल यादव और ओपी राजभर नहीं पहुंचे थे, या फिर कह लीजिए उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर के एनडीए उम्मीदवार की बैठक में शामिल होने को अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही ओपी राजभर और अखिलेश के बीच दूरियां भी बढ़ती जा रही है। वही शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी में लगातार नाराजगी की खबरें सामने आती रही हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से ही दोनों के बीच दूरियां दिखाई दी। शिवपाल वर्तमान में इटावा की जसवंत सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक ही है, लेकिन अब यहां पर पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि शिवपाल सिंह यादव द्रौपदी मुर्मू को यहां पर वोट देते नजर आएंगे, जो एक बहुत बड़ा झटका है। अब इंतजार है तो ओपी राजभर के बयान का। तो आपकी क्या राय है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।